हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद और आपका स्वागत है अब्रॉड ओवरसीज जॉब्स में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में, यानी कि गल्फ यूरोप या किसी भी कंट्री में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि हम इसी तरह के जॉब ओपनिंग्स हमारे इस चैनल पे डेली डालते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप किसी भी जॉब अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब ओपनिंग से। और आज की पहली रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए है। और ये रिक्वायरमेंट वेयरहाउस सुपरवाइजर्स की है। इसके लिए आपको जो है टीम लीडिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इसी जॉब में। और इसके अलावा जो एज लिमिट है इस जॉब को अप्लाई करने की, वो है 24 से 35 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपके पास सुपरमार्केट का या फिर हाइपर मार्केट का, गल्फ का या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना आना जरूरी है। और इस जॉब के लिए काफी लोगों की जरूरत है, तो जितने ज्यादा लोग हो सके अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो अगर आप ये जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी डॉक्यूमेंट्स इन्हें ईमेल कीजिएगा, और आप कॉल करके भी आगे की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये सऊदी अरब के लिए है, और ये मजीद अल फुतम कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 17 नवंबर को मुंबई में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, चेफ डी पार्टी और वरिष्ठा कॉमिस टू वेटर, फूड सर्विस सुपरवाइजर, हेड शेफ और सॉस शेफ की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो जितने लोग हो सके अप्लाई कीजिएगा। और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 22 से लेके 35 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे आप इन्हें अपना सीवी जो है ईमेल कीजिएगा, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट सऊदी अरब के लिए है, इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 17 और 18 नवंबर को न्यू बॉम्बे में, और इसमें काफी सारे लोगों की जरूरत है। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, 6G वेल्डर, जी टॉप प्लस SMAW, और 6G वेल्डर जी टॉप और 6G वेल्डर SMAW पाइप और स्ट्रक्चरल। इसके लिए आपके पास आपका रनिंग कार्ड होना चाहिए वेल्डर्स के लिए, और कम से कम 3 से 5 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और अगर आप ये जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो कंपनी के द्वारा आपको जो रहना, खाना और ट्रेवलिंग का अलाउंस दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है इन्हें कांटेक्ट कीजिए इनके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और आप जब इंटरव्यू पे जाते हो, तो अपना बायोडाटा और पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके जरूर जाइएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये कुवैत के लिए है, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो एक स्विच गियर इलेक्ट्रिकल पैनल सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा मुंबई में 17 और 18 नवंबर को, और इसके अलावा इसका दूसरा इंटरव्यू होगा बड़ौदा में 22 और 23 नवंबर को। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, प्रोडक्ट डिवीजन के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है CNC मशीन ऑपरेटर, जहाँ पे 25 लोगों की जरूरत है, और इसके अलावा वायरमैन जिसमें 75 लोगों की जरूरत है। इसमें आपके पास इंडस्ट्रियल या इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा असेंबलर में 75 लोगों की जरूरत है पैनल बोर्ड के लिए, और वेल्डर में 10 लोगों की जरूरत है 3G MIG के लिए। इसके अलावा CNC पंचिंग एंड मेंडर मशीन ऑपरेटर के लिए 15 लोगों की जरूरत है, और इसके अलावा पाउडर कोटिंग पेंटर में 10 लोगों की जरूरत है, मशीन ऑपरेटर के लिए 10 लोगों की जरूरत है, और सुपरवाइजर और फोरमैन के लिए 5 लोगों की जरूरत है फैब्रिकेशन के लिए, और इलेक्ट्रो प्लेटर के लिए 20 लोगों की जरूरत है, CNC प्रोग्रामर के लिए 20 लोगों की जरूरत है,
और कोर कॉइल असेंबलर के लिए 30 लोगों की जरूरत है, और सीएनसी प्लांट ऑपरेटर के लिए 15 लोगों की जरूरत है, और फिटर असेंबली के लिए 200 लोगों की जरूरत है। उसके अलावा लाइन इंस्पेक्टर और क्वालिटी एश्योरेंस फैब्रिकेशन के लिए 10 लोगों की जरूरत है, और ऑपरेटर और प्रिंटर के लिए जो एक्सपीरियंस अगर आपका है स्विच गियर मशीन मेटल इंडस्ट्री में, तो आपको ये जॉब इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा इनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिवीजन के लिए, जहाँ पे इन्हें साइट मेंटेनेंस इंजीनियर की जरूरत है 5 लोगों की, और इसके अलावा प्रोटेक्शन मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए 5 लोगों की जरूरत है। और इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट डिवीजन के लिए, जहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 3 लोगों की जरूरत है, और मैकेनिकल इंजीनियर इसमें भी 3 लोगों की जरूरत है, और मैकेनिकल इंजीनियर इसमें भी 3 लोगों की जरूरत है। ये मैकेनिकल इंजीनियर में आपके पास एमवी स्विच गियर और सर्किट ब्रेकर के लिए चाहिए। इसके अलावा स्टोर डिवीजन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट इनकी, जिसमें स्टोर कीपर और असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की, मतलब स्टोर कीपर में 5 लोग और असिस्टेंट के लिए 5 लोग। इसके अलावा फोर मैन के लिए जरूरत है 10 लोगों की, और हैवी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है 7 लोगों की। इसके लिए आपके पास कुवैत का लाइसेंस होना जरूरी है, और आपकी एज 40 साल से कम होना चाहिए, और इन सभी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है कम से कम एसएससी या फिर एचएससी या डिप्लोमा होना जरूरी है, और आपके पास गल्फ का या इंडिया का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस फील्ड में। और अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप जो है इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, और इनका ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर दिया गया है। आप इनके ईमेल पे अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करके आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये रिक्वायरमेंट जो है ये एक एनर्जी डिवीजन के लिए फारिस ग्रुप, और इसका जो ये रिक्वायरमेंट है दुबई के लिए एक्चुअली, और इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 17 और 18 नवंबर को। इसकी शॉर्टलिस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, जनरेटर ऑपरेटर जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत है, इसमें कम से कम आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग में सिंगल फेज और 3 फेज किर्लोस्कर में, और इसके अलावा जनरेटर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए 10 लोगों की जरूरत है, इसके लिए आपके पास ITI और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, प्लस आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की नॉलेज होना जरूरी है। और इसके अलावा जनरेटर मैकेनिक के लिए 10 लोगों की जरूरत है, इसमें भी आपके पास ITI और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डीजल इंजन कैसे काम करता है और उसका एक्सपीरियंस नॉलेज आपको होना जरूरी है। और इसके अलावा असिस्टेंट मैकेनिक जनरेटर के लिए 10 लोगों की जरूरत है, इसमें भी ITI प्लस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किर्लोस्कर में, और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो है मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की, इसके लिए आपके पास UAE का लाइसेंस होना जरूरी है, और कम से कम 20 से 30 टन 50 टन तक का है ये। और अगर आप ये जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी के द्वारा आपको रहना खाना प्लस ओवर टाइम का अलग से दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप इमीडिएटली इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए इनके दिए गए फोन नंबर पे, और अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल करके आगे की जानकारी ले सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक मेटल फैब्रिकेशन फैक्ट्री के लिए सऊदी अरब के लिए, और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से, लेजर CNC प्रेस ब्रेक जिसके लिए मशीन ऑपरेटर चाहिए, और इसमें 2 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, CNC करंट पंच, CNC वाटर जेट एंड पैनल बेंडिंग मशीन के लिए। इसके अलावा शीट मेटल फैब्रिकेटर्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपके पास कम से कम 5 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आप ऑपरेट और सेट कर सके प्रेस ब्रेकिंग को। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके पास ये एक्सपीरियंस है इस जॉब का, आप इन्हें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए इनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, और आप इन्हें ईमेल करके भी आगे की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक फास्ट फूड कंपनी के लिए है सऊदी अरब के लिए, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 18 नवंबर को मुंबई में,
और ये रिक्वायरमेंट है टीम मेंबर और सर्विस क्रू के लिए। और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 22 से 35 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको इसके लिए इंग्लिश बोलना आना जरूरी है और इसमें काफी सारे लोगों की जरूरत है, तो जितने लोग हो सके अप्लाई कीजिए। खास करके अगर आप फ्रेशर हो, आप इस तरह का जॉब ढूंढ रहे हो जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। प्लस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 9 घंटे की ड्यूटी मिलेगी इसमें, इसमें 1 घंटे का ब्रेक रहेगा और आपको खाना का जो है कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इमीडिएटली इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए इनके फोन नंबर पे और इनके दिए गए ईमेल पे अपना बायोडाटा, बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो आप इन्हें ईमेल कीजिए और आगे की जानकारी आप इनसे ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये कनाडा के लिए है, जिसका कि क्लाइंट इंटरव्यू होगा 17 और 18 नवंबर को मुंबई में और 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के लिए। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, शेफ, कुक, रूम अटेंडेंट्स, हाउसकीपिंग, केयर गिवर्स, रेस्टोरेंट मैनेजर्स, सीएनसी ऑपरेटर्स, वेटर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, और ट्रक ड्राइवर्स। इसके लिए आपका IELTS का स्कोर जो है वो 4.5 से ज्यादा होना चाहिए और कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसमें सैलरी जो आपको दी जाएगी वो कम से कम रहेगी $15 कैनेडियन एक घंटे की और ज्यादा से ज्यादा $35 एक घंटे की। एग्जैक्ट सैलरी आपको इंटरव्यू के वक्त बताया जाएगा जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। और इसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स पोलैंड और बल्गेरिया के लिए है, और वही रिक्वायरमेंट है वेल्डर्स की, सीएनसी वर्कर्स, पोस्टल वर्कर्स, जनरल वर्कर्स, ये रिक्वायरमेंट है पोलैंड और बल्गेरिया के लिए। और इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आपको इंग्लिश बोलना आना बिल्कुल जरूरी है। और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 45 साल, यानी कि 45 साल से ज्यादा के लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और इन सभी जॉब जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें ओवर टाइम भी रहेगा आप, तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आप ये जॉब ढूंढ रहे थे कनाडा में या फिर पोलैंड बल्गेरिया में, आप इमीडिएटली इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए इनके दिए गए फोन नंबर पे और इनके ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप ईमेल करके आगे की जानकारी ले सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये BCM ग्रुप के लिए है, और ये रिक्वायरमेंट जो है सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो स्वीडन के लिए है, यूरोप में, और ये रिक्वायरमेंट है TIG वेल्डर्स स्वीडन के लिए। इसमें सैलरी आपको मिलेगी 2000 यूरो। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्रोशिया के लिए, ये भी यूरोप में है, ये रिक्वायरमेंट है MIG TIG वेल्डर्स, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 800 यूरो। और इसके अलावा कैस्टर मोल्डर रूफर, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 800 यूरो। और कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियंस की रिक्वायरमेंट है जिसमें सैलरी आपको दी जाएगी 700 यूरो। और इसके अलावा प्लम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी आपको सैलरी दी जाएगी 700 यूरो। ये तो थी क्रोशिया के लिए रिक्वायरमेंट। अब एक दूसरी रिक्वायरमेंट है रोमानिया के लिए, यूरोप में, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे है MIG TIG वेल्डर्स की, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी $600। और असेंबली एंड मैकेनिकल फिटर्स, और बाइक मैकेनिक्स एंड बाइक इलेक्ट्रीशियंस, और ट्रक मैकेनिक्स एंड ट्रक इलेक्ट्रीशियन, इन सभी पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी $600। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट है CNC ऑपरेटर्स, इसमें सैलरी आपको मिलेगी $750। और स्टील फिक्सर्स की रिक्वायरमेंट है और इसमें सैलरी आपको देगी $600। तो अगर आप ये जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और अगर आप के पास ये एक्सपीरियंस है और अगर आप यूरोप में जॉब ढूंढ रहे थे, तो आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इनके दिए गए ईमेल पे अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए और आप इन्हें इनसे कॉन्टैक्ट करके आप इंटरव्यू अपना दे सकते हो। उनके दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और चलिए हम चलते हैं अब हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये दोहा कतर के लिए है, और ये 6 महीने का शॉर्ट टर्म जॉब है, और ये एक ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है।
और इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा ऑनलाइन होगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटर्स की। इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी, एक दिन की सैलरी देगी आपकी 193 कतरी रियाल एक दिन का रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ऑफशोर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में, और आपको इंग्लिश बोलना आना जरूरी है, आपके पास जीसीसी का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 45 साल, यानी कि 45 साल से ज्यादा के लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म जॉब है 6 महीने का, तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा इमिजिएटली। इसके लिए आप इनके दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कीजिए, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो जो था हमारा पसंद जरूर आया होगा। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो, और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो गल्फ में या फिर किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियो डेली हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।